जिसने जेआरएफ क्लियर करा है वो लाइफ टाइम जेआरएफ लिखता रहे अपने आप को, इथिकली वो रॉन्ग है। जेआरएफ वो तब होगा जब उसने जेआरएफ क्लेम करा होगा। अगर उसने किसी ने जेआरएफ क्लेम ही नहीं करा तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो जेआरएफ क्वालिफाइड है? कहां है जेआरएफ क्लेमिंग का उनका सर्टिफिकेट, या कहां से उन्होंने जेआरएफ अपने आप को क्लेम करके बता दिया जस्ट बिकॉज दे अचीव द परसेंटेज किसी का? हेलो, सो क्या आप लोगों ने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और आप लोगों के क्वेश्चन है कि आगे हमको अब क्या करना है? क्योंकि इसी तरीके के काफी कॉल्स मैं फेस करती हूँ जिसमें ग्रेजुएट किए हुए बच्चे भी बार बार यही पूछते हैं कि मैम हम नेट के लिए एलिजिबल हैं क्या, मैम नेट जेआरएफ होता क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए बच्चों को भी डायरेक्शंस नहीं होती एंड दे थॉट कि कुछ नहीं है करने को तो नेट का एग्जाम दे लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? दोनों ही सिचुएशन में आप गलत हैं। काफी स्टूडेंट्स जिनको ग्रेजुएशन में ही ये सपना होता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो वो ग्रेजुएशन से इसी चीज में लग जाते हैं कि हम नेट जेआरएफ का पेपर देना शुरू कर देते हैं। बेटा ग्रेजुएशन वो लेवल नहीं है जिसके अंदर आप नेट की प्रिपरेशन कर पाए, उसके अंदर इतनी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। आप कोचिंग भी करेंगे तो इट्स लाइक कि मैं एक चाइल्ड लेबर करवा रही हूँ, छोटे बच्चे से मैं इतना काम करवाने को बोल दूं जो कि उसकी एलिजिबिलिटी के बाहर है, राइट? सिमिलरली ग्रेजुएशन के अंदर आपको जो कोर्स दिया जाता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सिलेबस होता है उसका केवल 40% आपके ग्रेजुएशन के ईयर्स में होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ग्रेजुएशन का बच्चा ये सोचे कि मैं नेट का एग्जाम दे लूं या उसके लिए प्रिपेयर कर लूं। आपके एस्पिरेशन है अगर इस तरीके की तो बहुत अच्छी बात है, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप करें उस चीज को, लेकिन बेटर रहेगा कि आप नेट की जगह गेट को चूज करें क्योंकि वहां पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल है, वहां पे ग्रेजुएशन का बच्चा एग्जाम दे सकता है और अगर उसने गेट क्लियर करा है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए IIT टाइप के कॉलेजेस के अंदर, अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन का जो बच्चा है वो एग्जाम तो देता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है व्हाट इज नेट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जेआरएफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ। तो आप लोगों को इन दोनों चीजों के अंदर जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। बेसिकली व्हाट इज नेट, नेट है क्या, जेआरएफ है क्या, नेट क्या है? यहाँ पे नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। किस चीज के लिए होता है ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट? किस चीज के लिए होता है? फॉर बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट? जेआरएफ, आप लोग नेट जेआरएफ को एक कैटेगरी में लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं है मैम आपका नेट क्लियर है, मैम आपका जेआरएफ भी क्लियर है या नहीं है। एक ही एग्जाम है बच्चा, अगर परसेंटेज हाई है तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, लेकिन जेआरएफ करने के पीछे रीजन होना चाहिए। जेआरएफ किस लिए किया जाता है? जेआरएफ क्वालिफाई करके उसे घर में रखने के लिए नहीं किया जाता। दिस इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, राइट? व्हेन आई एनरोल्ड फॉर माय PhD आई वाज ओनली नेट एंड आई वाज गेटिंग माय स्टाइपेंड, आई वाज डूइंग माय जॉब, आई वाज डूइंग एवरीथिंग, तो व्हाट वाज द नीड ऑफ डूइंग जेआरएफ? अगर मैं जेआरएफ क्वालिफाई भी कर जाती तो उसका स्टाइपेंड या उसे क्लेम करने के लिए मुझे अपनी जॉब, अपनी सारी चीजें क्विट करनी पड़ती, क्योंकि एक ही जगह से आप पैसा ले सकते हैं, गवर्नमेंट से, जगह जगह से नहीं ले सकते। जूनियर रिसर्च फेलोशिप किस लिए होता है? फॉर रिसर्च, इट्स नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इट्स नॉट अ जॉब, इट इज फॉर रिसर्च, PhD के लिए होता है ये। जिन लोगों ने भी इसको क्लियर करा है जेआरएफ को, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ये लाइफ टाइम नहीं होता। जिसने जेआरएफ क्लियर करा है वो लाइफ टाइम जेआरएफ लिखता रहे अपने आप को, इथिकली वो रॉन्ग है। जेआरएफ वो तब होगा जब उसने जेआरएफ क्लेम करा होगा। अगर उसने किसी ने जेआरएफ क्लेम ही नहीं करा तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो जेआरएफ क्वालिफाइड है? कहां है जेआरएफ क्लेमिंग का उनका सर्टिफिकेट, या कहां से उन्होंने जेआरएफ अपने आप को क्लेम करके बता दिया जस्ट बिकॉज दे अचीव द परसेंटेज? किसी का किसी टाइम पे हो सकता है 62% पे जेआरएफ हुआ हो और नेक्स्ट ईयर कट ऑफ जितना गया उसमें 62% पे नेट क्लियर हुआ, तो दे बिकेम अ जेआरएफ एंड दे क्वालिफाइड द जेआरएफ? नो, दैट डजंट मीन। इफ यू आर अ जेआरएफ, ठीक, यू अटेम्प्टेड फॉर नेट, यू वांटेड अ जॉब, यू अटेम्प्टेड नेट बट यू क्वालिफाइड जेआरएफ, दैट कैन बी अंडरस्टैंड कि हम वो चीज समझ सकते हैं कि ठीक है यू क्वालिफाइड जेआरएफ, दैट्स वेरी गुड, यू स्कोर्ड हाई, बट यू हैव नॉट बीन गिवन एनी काइंड ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम एनी जॉब। आप जेआरएफ है तो आपको डायरेक्टली ले लिया जाएगा? नहीं, यू हैव टू फेस द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे, आपको सारे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा जो कि जॉब लेने के लिए करना पड़ता है। जेआरएफ के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता इन जॉब,
लेकिन अगर आपने JRF क्वालिफाइड किया है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको BSc एंट्रेंस एग्जाम PET का जो एग्जाम होता है उससे एग्जाम करती है और डायरेक्ट आपको रिसर्च के लिए लेती है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिसर्च के लिए एनरोल करते ही आपका स्टाइपेंड आना शुरू हो जाता है, आपका फेलोशिप, आपकी फेलोशिप UGC से आनी शुरू हो जाती है, विच इज नॉट लेसर नाउ, वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अप्रोक्सीमेटली 180% तक गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाया था। हो सकता है कोविड के टाइम पे वापस कम कर दिया गया हो, लेकिन इसको 180% बढ़ा के लगभग 60-70,000 तक कर दिया गया था। ठीक है, नेट नेट इज द क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप उसे लाइफ में एक बार भी क्लियर करते हो तो इसकी एलिजिबिलिटी आपकी लाइफ टाइम की है। बार बार नेट अटेम्प्ट करके 3 बार क्वालिफाइड, 4 बार क्वालिफाइड, 10 बार क्वालिफाइड, 12 बार क्वालिफाइड, क्या कर रहे हैं आप? दूसरों की सीट्स खराब कर, क्या मिल जाएगा उससे? जस्ट जॉब नहीं मिल रही है, कुछ और नहीं मिल रहा था, नेट के एग्जाम में ही बैठ जाते हैं। नो, प्लीज डोंट स्पॉइल समवन सीट। दिस हैज अ कंप्लीट सिलेबस विच यू हैव टू फॉलो टू क्वालिफाई दिस एग्जाम फॉर वंस। लाइफ टाइम वैलिडिटी है जिसके साथ आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं कभी भी। बट अब इसके साथ साथ यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए केवल नेट नहीं चलेगा, इसके साथ आपको PhD भी चाहिए। दे वॉन्ट द क्रीमी लेयर। तो अगर आपने नेट भी क्वालिफाई करा है तब भी आप PhD के लिए एनरोल कर सकते हैं। आपका स्टाइपेंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो तब भी आएगा। काफी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे आप अपने आप को एनरोल करेंगे तो वो लोग भी स्कॉलरशिप देते हैं जिससे आप अपनी PhD परस्यू कर सकते हैं। बट अगर आपने JRF क्वालिफाई करा है तो UGC आपको, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एनरोल हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एनरोल हो, आपको स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेट में गवर्नमेंट कभी देती है, किसी किसी केस में नहीं देती है, दैट डिपेंड्स। बट आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की साइड से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तब भी मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आपका आई थिंक ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज नेट, व्हाट इज JRF, दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है। मास्टर्स, वन हैज टू बी मास्टर्स इन अ सब्जेक्ट टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम। बट आई विल सजेस्ट कि जो स्टूडेंट सीरियस है इसके बारे में और उनका एक आइडिया है इन द प्रीवियस ईयर और व्हेन दे टुक द एडमिशन, व्हेन दे यूज्ड टू टेक द एडमिशन इन देयर मास्टर्स, जब वो अपने आप को एनरोल करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तब अगर उनके दिमाग में है कि यस वी वॉन्ट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वी वॉन्ट टू बी इन अ टीचिंग जॉब इन कॉलेजेस, और वो अगर नेट करना चाहते हैं तो वो प्रीवियस ईयर में भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं एंड इवन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर में क्वालिफाई भी कर लिया तब भी आपको UGC 18 मंथ्स देता है अपनी डिग्री सबमिट करके अपना सर्टिफिकेट फिल करने के लिए। आपका सर्टिफिकेट तो आ जाएगा लेकिन जब तक आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट नहीं होती, अवार्ड नहीं होती, तब तक ये सर्टिफिकेट आप एक्सेप्टेड नहीं होगा। जब तक आपकी मास्टर्स डिग्री आपके पास नहीं है तब तक आपका नेट का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। आपकी मास्टर्स डिग्री ही उसको वैलिडिटी देती है। तो 18 मंथ्स का टाइम दिया जाता है टू सबमिट योर डिग्री इफ यू क्वालिफाई इट ड्यूरिंग योर मास्टर्स। बट इफ यू क्वालिफाई इट आफ्टर योर मास्टर्स देन देयर इज नो इश्यू, यू कैन डायरेक्टली यूज योर सर्टिफिकेट फॉर जॉब्स। इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज करवाती हैं और वो यूनिवर्सिटीज केवल नेट एस्पिरेंट्स को भी हायर करती हैं। तो आई होप कि ये सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ होगा और अगर इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है, डू वॉच आवर वीडियो एंड आई विल गिव यू द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद द गुरुकुलम अकेडमी and make your UGC, NET and TGT, PGT dreams come true. Download the app now.